हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सबको पता है सीबीएसई ने इस बार एक न्यू नोटिफिकेशन दिया है जो कि आने वाले एग्जाम पैटर्न को लेके, दैट मींस इस बार जो एग्जाम होने वाला है 9 से लेके 12 तक, इन सब के जो सिलेबस पैटर्न कैसा होगा एंड जो एग्जाम होगा उसका पैटर्न कैसे रहेगा उसके बारे में ये नोटिफिकेशन है एंड मैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि ये नोटिफिकेशन आया कब था एंड आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। 9th और 10th के लिए क्या होगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, 12th के लिए और 11th के लिए कैसे करेंगे। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ये जो नोटिफिकेशन हम कैसे चेक करेंगे। दोस्तों सबसे पहले बता दूं ये जो आया था कितने कब आया था ना, 25/2022 यानी 20 तारीख को आया था, थोड़ा सा लेट हो गया हूं। बट इसका जो सर्कुलर कहाँ पे है ना, सर्कुलर नंबर ACAB 57/2022, इसको आप जाके कहाँ पे ना CBSE.NIC.in पे जाके आप इसको चेक कर सकते हैं और एकेडमी सेशन पे जाना, जाके आप वहां से आप आराम से चेक कर सकते हैं। दोस्तों बताते हैं अब चेंजेस क्या आया है जो कि एग्जाम पैटर्न में चेंज होने वाला है वो बात करते हैं। आप देख सकते हो सबसे पहले मैं 9th और 10th के बारे में बात करेंगे, इसमें क्या हुआ, पहले क्या होता था, पहले थोड़ा सा क्लैरिटी देता हूं आपको, अब फिर करेंगे। पहले दो टर्म में पेपर होते थे, टर्म वन, फिर क्या होता था ना टर्म टू। ये रीजन क्या था ऐसे होने का, ये इसलिए होता था बिकॉज कोविड के वजह से, कोविड-19 के वजह से ये सारे केसेस हो रहा था। टर्म वन टर्म टू में डिसाइड करते थे एंड टर्म वन में हम क्या करते थे, ऑलरेडी सारे एमसीक्यू के फॉर्म में करते थे जो कि बहुत आसान होता था एंड उसमें 30% यहाँ पे देखोगे 30% कॉम्पिटेंसी लेवल में था। दैट मींस कॉम्पिटेंसी मींस यहाँ पे केस स्टडी था, कौन था हमारे पास ना केस स्टडी बेस पे था जितने भी क्वेश्चन थे। और क्या था ना टर्म टू में सारे क्वेश्चन क्या होता था ना लॉन्ग टाइप रिटर्न होते थे, क्या होते थे ना लॉन्ग टाइप होते थे और इसको हम नॉर्मली बोल सकते थे कि किसमें होते ना राइटिंग में रिटर्न में ये चीजें होता था। ये था पहले हमारा पेपर ऐसी टर्म में होता था 9th 10th 11th 12th कोई भी हो सब में ऐसा होता था। बट अब इन्होंने नोटिफिकेशन क्या डाला है, ये जो न्यू नोटिफिकेशन दिया है 2022 और 23 के लिए है, ये एनुअल स्कीम किया। देखिए यहाँ पे टर्म जो ये है एनुअल स्कीम, दैट मींस वंस अ ईयर यानी साल में एक ही बार होगा, दोबारा पेपर नहीं होगा, टर्म वन टर्म टू नहीं होगा, एक ही बार होगा। एंड ये जो एक ही बार होगा पैटर्न कैसे डिसाइड किया है, इन्होंने कहा कि 40% क्या होगा ना कॉम्पिटेंसी लेवल होगा। कॉम्पिटेंसी लेवल मतलब मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि इसमें बेस्ड ना केस स्टडीज बेस्ड, किसमें होगा ना केस स्टडीज बेस्ड जो होगा आपका कितने परसेंट ना 40% होगा, वो भी एमसीक्यू के फॉर्म में होगा। देखिए और क्या पूछा है, और जो 20% और ऑब्जेक्टिव टाइप दे हुए एमसीक्यू को छोड़ के 20% आपका एमसीक्यू मिलेगा। दोस्तों और क्या बोल रहा है ना, रिमेनिंग जो 40% बच गया, देखिए ये 40 ये 20-60 और रिमेनिंग जो 40% बच गया वो आपका नॉर्मली जो क्वेश्चन डिलीवरी होता है उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन किया जाएगा, 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का 5 का उसी हिसाब से आपका क्वेश्चन दिया जाएगा जैसे लॉन्ग टाइम क्वेश्चन होता है। दैट मींस एक ही साल में अब दो पेपर कराएंगे, दैट मींस एक ही साल में एक ही पेपर कराया जाएगा और सारा मिक्सड होगा, एमसीक्यू भी होगा लॉन्ग टाइप भी होगा और जिसमें आपका केस स्टडी जैसे पहले चल रहा था केस स्टडीज अभी भी ऐसे होगा। दैट मींस CBSE 12-4 तो लास्ट पीरियड, दैट मींस कोविड से पहले जैसे पेपर था इसी फॉर्म को फॉरवर्ड को दोबारा सीबीएसई दोबारा अपना ट्राई कर रहा है। अब बात करते हैं 11 12th की, अगर मैं बात करूं 11 12th में सेम कंडीशन है, आपने देखा टॉप 1 और टॉप 2 में होते थे और उसमें 20% कॉम्पिटेंसी लेवल में होता था। दैट मींस 20% जो था किसमें ना केस स्टडीज बेस में होता था, केस स्टडीज बेस में होता था 20% आपको पहले ही पता है। एंड जो अभी टर्म 2 जो एग्जाम होता था वो रिटर्न होता था आपका, किसमें होगा ना रिटर्न होगा, ठीक है। और क्या होगा ना उसमें 20% क्या होगा हमारा ना कॉम्पिटेंसी लेवल में आएगा। दैट मींस केस स्टडी जो होता था 1 केस स्टडी जरूर आता था उसमें। बट अब क्या कर दिया 11 12 के लिए ये देख लेना चाहिए हमें, इसमें क्या किया है ये भी एनुअल बेसिस पे होगा। दैट मींस साल में एक बार होगा ये पेपर, वंस अ ईयर, इसमें भी साल में एक बार होगा, फिर पहले जैसे करते थे कोविड से पहले सेम पैटर्न फॉलो किया जाएगा। और क्या होगा ना इसमें कॉम्पिटेंसी जो लेवल होगा 30% होगा, कितने परसेंट 30%। दैट मींस जो केस स्टडीज आपका आएगा वो कितने परसेंट आएगा ना 30% कवर करेगा आपका एंड 20% ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा एंड 30+20 आपका हो गया 50 एंड जो रिमेनिंग 50% बच गया वो आपका क्या बनेगा ना जैसे आपका लॉन्ग टाइम रिटन एग्जाम होता है वही होगा। दैट मींस दो टर्म हटा के एक ही टर्म कर देगा, एक ही टर्म में आपका 30, 20 एंड 50 रेशो में डिवाइड कर दिया, 3 रेशो डिवाइड किया, कितना 30, 20 और 50 रेशो में डिवाइड कर दिया सीबीएसई ने 11th और 12th के जितने भी क्वेश्चन है आपके, क्लियर है।
अब क्वेश्चन आएगा कि सर इंटरनल असेसमेंट के बारे में क्या कहते हैं। अगर मैं इंटरनल असेसमेंट के बारे में बात करूं, सीबीएसई ने ये नोटिफाई किया है कि इंटरनल असेसमेंट में कोई भी चेंजेस नहीं है, एज पर द प्रीवियस शेड्यूल जैसे पहले होता था ऐसे ही इंटरनल असेसमेंट अभी भी किया जाएगा। और ये क्या होगा, इंटरनल असेसमेंट एंड ऑफ द ईयर एग्जामिनेशन एज पर द करिकुलम डॉक्यूमेंट्स रिलीज बाय द 2022-23। दैट मींस इन्होंने क्या कहा, जैसे ही करिकुलम एक्टिविटीज में हमेशा होता था एंड ऑफ द ईयर में, अभी भी इंटरनल्स ऐसे ही होंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। दोस्तों ये था, ये इस बार 2022-23 जितने भी एकेडमिक सेशन होने वाला है इसमें यही लागू होने वाला है। अगर आपको पता नहीं है तो उसको ध्यान से देखिए इसको, और अगर आपको चेक करना है दोबारा बताता हूँ कहाँ पे आपको जाना, cbse.nic.in में जाना, इस वेबसाइट में जाना आपको, ठीक है। इस वेबसाइट में जाके आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कहाँ पे जाना है, इसमें इसमें आपको जाना है एकेडमिक सेशन में, कहाँ पे जाना है एकेडमिक सेशन में जाके आप इसको चेक कर सकते हो। और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, बट ओवरऑल इन्फॉर्मेशन इतना था, दो टर्म नहीं होगा, एक ही टर्म होगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, जय हिंद।